हेलो गाइस, सो कर उठ चुके हैं और शुरू करते हैं आज का व्लॉग। मम्मी और दादी दोनों लोग छत पे धूप का मजा लेते हुए, और सुबह सुबह उठ के मैं घर में घूमने शुरू करता हूँ और उसके बाद मुझे दिखता है ये चेंज। और अब हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी देने के लिए सर्विस में, और उधर ही देखेंगे टाइम मिलेगा तो गाड़ी वाड़ी सेट करा लेंगे, तो निकलते हैं अब। गाड़ी इसलिए देनी है सर्विस में क्योंकि हमें जाना है कल गांव अपने शादी में। तो जो भाई नहीं जानते हैं, मैं बलिया का रहने वाला हूं। वैसे लखनऊ में ही जन्म वन सब कुछ हुआ, पर गांव अपना बलिया है। तो जाना है नानी के यहाँ शादी है, आपको दिखाएंगे पूरे रास्ते में क्या कैसे। तो अब ये जो व्लॉग आने वाले हैं वो बहुत मज़ेदार होने वाले हैं। हम पहुँचने वाले हैं बस अस्पाक भाई क्या, उनको भी दिखाएंगे आपको। बाकी गाड़ी अपनी अब कुछ ज़्यादा ही गंदी हो गई थी और जाना था दूर, तो हमने कहा कि सर्विस करवा लेना ज़रूरी है। तो हम आ गए सिटी मोटर्स अस्पाक भाई की दुकान पे। ये हमारे अस्पाक भाई, ये अपनी गाड़ी। तो जितना काम मेरे गाड़ी को होता सब अस्पाक भाई इसमें करवाता हूँ, और ये गाड़ी काम बहुत अच्छा करते हैं। और जुवेंद्र नगर जैसे आप लोग अंदर आएंगे तो वहाँ पर एक चौराहा पड़ेगा, चौराहे से आप जैसे ही अगर फैजाबाद रोड की तरफ से आ रहे हैं आप सुरेंद्र नगर में अंदर, तो चौराहे से आप जैसे ही लेफ्ट होंगे तुरंत अस्पाक भाई का सिटी मोटर गैराज दिख जाएगा। अपनी गाड़ी दे दी सर्विसिंग में और हमने चौबीस को बुला लिया, तो अब स्कूटी से जा रहे हैं हम। नंबर प्लेट गाड़ी का मैंने बताया था गड़बड़ हो गई है, तो अब नंबर प्लेट हम जा रहे हैं पता करने के लिए। नंबर प्लेट वाला काम अपना हो गया और हम आ चुके हैं अब घर, और अब खाना वाना खाएंगे उसके बाद चलेंगे दाढ़ी सेट करवाने, और हमको जाना है कपड़े लेने के लिए भी। तो आज बहुत काम है, आप देखते रहिए व्लॉग में आगे क्या क्या करते हैं हम। एक दिक्कत हो गई थी, गाड़ी की चाबी हम अपने साथ ही लेके चले आए थे, तो अस्पाक भाई ने मुझे फ़ोन किया कि गाड़ी की चाबी दे दो, तो मैं गया था गाड़ी की चाबी देने, और उधर ही से उधर मैंने दाढ़ी अपनी सेट करवा ली। बिना काम के लड़के हो, मैं नहीं मानता। तो मम्मी कपड़ा पड़ा प्रेस कर रही हैं जो हमको ले जाने हैं, बाकी तो वैसे दिए हैं दो भी, क्या जो एक दो बच गए मम्मी प्रेस कर रही हैं घर पर। तो आज आपको हम जिससे मिलवाने जा रहे हैं वो हैं यादव जी, और ये हमारे यहाँ काम भी करते हैं, और इनका भी अपना फर्नीचर की दुकान वकान है, तो आपको इनसे मिलवाते हैं और इनकी बातें सुन के आप अपना पेट पकड़ के बैठ जाएंगे। तो ये हमारे यादव जी अपने लड़के से बात कर रहे हैं। बाबू, बाबू, ओह माय गॉड, हेलो 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 हेलो, कहाँ मुँह में बागी हो गई है? हाँ तो पूछ लो फोन करके, अंकल जी भेज दिया, पहुंचा कि नहीं पहुंचा? हाँ तुम्हें मंत्र पढ़ाता रहूँ था, अरे किला खड़ा कर दिया माना लौड़ा, ये एक क्या नाम बाथरूम नहीं बनवा पाएगा लड़का। पैसा ही पैसा हो गया। नहाता बाबू कि नहीं? नहाता नहीं है। तीन लाख करोड़ ले लिया। आज हमारा काम नहीं हो पाया क्योंकि गाड़ी सर्विस में गई थी, और जब टाइम हुआ गाड़ी वापस लाने का तो बारिश इतनी तेज़ होने लगी, तो मैंने कहा अब क्या ही जाऊं, दूसरी गाड़ी थी पर नहीं गए उससे, तो हमने कहा कि अब कल ही गाड़ी ले लेंगे। और वैसे भी अब हम परसों गांव जाएंगे क्योंकि कुछ ज़रूरी काम है कल हमारे, तो उसको भी कल निपटाएंगे, और आज हम शॉपिंग भी नहीं जा पाए, तो कल आपको वो भी हम ब्लॉग में दिखाएंगे। तो आप बस ब्लॉग देखिए और मज़ा लीजिए। तो अब आगे आपको दिखाते हैं हम क्या कर रहे हैं। कपड़े देखने लगे तो गांव जाना था, तो जो जो कपड़े ये भी ले जाना है, ये भी ले जाना है। अब गांव कल नहीं परसों जाएंगे, मैंने आपको बता ही दिया, तो ब्लॉग में आगे देखते रहिएगा आप। अलमारी में अपने कपड़े ढूंढ रहा था, उसके बाद मैंने नीचे वाली ड्रॉअर जब खोली तो मुझे मिले अपने हेडफोन, जो कि मैं काफ़ी दिन से यूज़ नहीं कर रहा था, मैंने लेके पहले रखा था जब मैं पबजी खेलता था तब। तो आपको वो दिखाते हैं, तीनों हेडफोन ये है, एक ये जब मैं पबजी खेलता था उसके लिए मैंने लिया था, और एक ये। आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म, अब आपसे मिलते हैं कल दूसरे ब्लॉग में। और हाँ, जाने से पहले मेरे वीडियो को लाइक म्यूजिक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और आप लोगों के कमेंट अच्छे देख के एकदम दिल खुश हो जाता है। तो आपसे मिलते हैं कल दूसरे ब्लॉग में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, चाहते रहिए।